हिट द घड़ी, हिट द घड़ी कमला, अलमुआड़ में म्योरो बंगला। अरे हिट द घड़ी कमला, अलमुआड़ में म्योरो बंगला। त्यार मुलु मुलु हसाना, अब बसी गो म्योरो मनला। त्यार मुलु मुलु हसाना, अब बसी गो म्योरो मनला। यूं मसे ठंडी हवा पछी पड़ो घोला, झिट घड़ी लुके दिनी तो गुलाबी थोला। यूं मसे ठंडी हवा पछी पड़ो घोला, झिट घड़ी लुके दिनी तो गुलाबी थोला। तेरी मेरी जोड़ी कमला, क्या भल लागेली भलला। तेरी मेरी जोड़ी कमला, क्या भल लागेली भलला। अरे हिट द घड़ी कमला, अलमोड़ में म्योरो बंगला। चांदी को बटन कमू, चांदी को बटाना, मन मतो राई गछ तो तेरी रटाना। तो वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं यहीं पे से। तो हेलो यूट्यूब और मेरे यूट्यूब के दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। अभी बजे हैं सुबह के 11 और अभी हम हैं अपने खेत में, और खेत में निकल रहे हैं आज प्याज। ये प्याज निकाले जा रहे हैं आज खेतों से, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में आप देख सकते हैं इस बार हमारे प्याज हुए हैं। और इधर हमारे पापा जी और मूणी भाई प्याज गाड़ रहे हैं। तो अब हम पूछते हैं इन प्याजों के बारे में कि इन्हें छोटे में से अब तक किस चीज़ों से बचाया जाता है और किस प्रकार ये बड़े होते हैं, कौन सी चीज़ इनमें डाली जाती है जिस प्रकार इतने मस्त स्वादिष्ट और मज़ेदार होती है। तो पापा जी से पूछ दो कि तुम उल्ले कब लगे ये प्याज? ये प्याज हम उल्ले दिसंबर हम लगे। अच्छा, दिसंबर महीने में। यूँ हम तो निराई गुड़ाई करनी पड़ी, बहुत तकड़ी निराई गुड़ाई करनी है। और अपनी खाद डालते हैं हम, गोबर की खाद, अपनी बकरियों की खाद, गायों की खाद डालते हैं इन पे। और किन किन चीज़ों से बचाना पड़ता है आपको? बंदर बंदर हो गया, जैसे लंगूर हो गया, इनसे बचाना पड़ता है इनको, इनकी देख रेख करनी पड़ती है। पानी बहुत कम हुआ है, पानी भी कम छा ना ये बार काफ़ी छोटे छोटे हुए। आजी ठीक है, फिर भी मस्त मस्त हैं, छोटे छोटे से कुरमुले। तो जो हमारे ये वाला खेत है, यो हमारे सारा प्याज से भूरी हुई चो, आप देख सकते हो। तो देख दो कि कतना निकली बाहर हमारा प्याज, और ये मयूख सफ़े होनी, उसके बाद इन्हें ले जाया जाएगा अंदर। तो अब करते हैं इनकी सफाई, इन प्याजों की जो इनमें मिट्टी लगी है, उसके बाद इन्हें ले जाएंगे हम अंदर। तो उससे पहले चलिए हम इनकी सफाई करते हैं। अभी नहीं रख रहे हैं हम कट्टे के अंदर, काफ़ी फास्ट काम चल रहा है यहाँ पे, तेज तेज चलना चाहिए थोड़ा, ठक ठक ठक। इसके बाद इन सबको, जो ये इतने सारे हैं कट्टे में रख के, उसके बाद इन्हें हम रख देंगे अंदर। ये प्रॉपर एक कट्टा देख सकते हैं आप, पूरा भर चुका है। और ये विद्युत का ज़्यादा चाहिए अभी, वही पता नहीं जत का वाला। पापा कतना वाला है, कम से कम कतना कट्टा वाला? कतना? 6-7 कट्टा। तो काफ़ी ज़्यादा थी यार, 6-7 कट्टा है ना। तो देख लो गाइस, इस बार हमारी हुए 6-7 कट्टे प्याज। तो अब दिखाता हूँ मैं आपको अंदर। अब जो सारे प्याज आएंगे वो सब ऐसे रहेंगे। तो इन प्याजों को हम रख रहे हैं खोल के अंदर, क्योंकि बल अगर हम कट्टे में रखेंगे तो ख़राब हो जाएंगे बस, तो इसलिए इन्हें बिल्कुल फैला के रख रहे हैं। अब जितना प्याज आएगा वो सब ऐसे होगा, सब खोल के रखा जाएगा।
और मैं आपको और सब्जियाँ भी दिखाऊंगा जो हमारे खेत में इस वक्त है, जो लगा रखे फिर बाद में होगी वो भी आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो ये मामर ताई भी पुंगुड़ चार ताई का भी काफ़ी ज़्यादा प्याज है, ऐसी देख सकते हो तुम ताई, तुम्हारा भी काफ़ी ज़्यादा प्याज आया है, पर छोटे छोटे क्यों हुआ यार? बड़ा बड़ा देर ली। ओ तो कब आ निकली तुम सुबह? अकेला निकाल दिए, देख लो ताई ने अपना पूरा खेत कवर किया भाई साहब। ताई का तू कटा निकले एकदम पाँच। ओहो अभी तुम हमसे पीछे हो, हमारी ज्यादा है। तुम्हारा भी दिखना तो ताई भी पूरा कॉम्पिटिशन का नहीं है, मतलब छह सात आदमी यार अभी निकलने। चलो बढ़िया है बढ़िया है। बजे ना यार ताई, किस से बजाओगे आप, किस से लग रही है आपको डर? अरे कुछ नहीं होता, कोरोना वोरोना आपको नहीं होगा कोरोना? अजी नहीं वार क्यों नहीं हो, तुम तो नहीं हो कोरोना, तुम इतना हष्ट पुष्ट छो। अरे क्यों आता वो भुज्जी खाना चो तुम यार रोज, ये प्याज उग तो क्या कुछ नहीं हो तुम दे, ये देख लो आप तो खेला ही दिखाना नहीं चो, इतना कट्टा भूरे ली तुम लपरा, आप तो रोज है शाम भी सुबह भी रात भी प्याज ही चल। ताई और कितने कितने दिन तुम ले प्याज? अच्छा को आया तुम्हारा अगर हेल्प करना का तो कोई नहीं, तुम बोल के देनी कितने क्या कितने ना दिया तुम, अपना आप खाया दे जो या खा से बहुत ही खिलाया मतलब जो घर मानना बस बस मेहनत तुम खाओ करो और कोई और फल खाए ना, ताई खाएगी ताई अपनी हष्ट पुष्ट शरीर बनाएगी। ये मेरी ताई के प्याज है और ये मेरी ताई का खेत है और ताई प्याज गाड़ रही है, तो ताई आप गाड़िए और इधर ही थोड़ी नज़दीक में हमारा खेत है वो रहा, और ये ताई का देखो ताई का ठीक है ना, ताई घर भी समड़ पुंगुड़ भी समड़ सब कुछ समड़ समड़ पर ताई यार एक बात यह भी होगा समड़ समड़ तो सब कना, पर जो पहला खेती चाकू ही नहीं करूँ है ना इनको सब कर दे खेती बाड़ी कर है लगाना चाहिए पकड़ा चाहिए मोरे मोले सब कुछ काम काज करना चाहिए, अब क्या सब तो कुछ भी नहीं कुछ नहीं कुछ आराम आराम कोई आराम करना चलो सब गांव छोड़ी भगना ही ना होना भगना जी लोड़ो वे पर क्या मन भाई लोड़ा पा रहे हैं और अब खेती बाड़ी सब छोड़ा। अब देखो अब वो आ गया ना कि बीमारी अब सब गाँव थे खुजाना की बस चलो गाँव अब गाँव थे खुजाना आई जान याद आखिरकार है गाँ तो गाय है अपना वो तो ठीक है हवा खड़े मुना ची लोग भेर तुम्हारे जमन पता नहीं क्या हाल है हमारे जमन तब जी हमारे जमन तब वाह ये तू भी नहीं करो रे। तो देखिए नाशपाती भी कितनी ज्यादा आ रखी है और नाशपाती है हमारी ताई जी की। हेलो ताई। हेलो। तो कंचो तुम खूब जो बड़ी याद आनी जानते हैं जलो आज जरा ताई दगर फिर से बातें करते हैं। तुम ले निकाले प्याज निकाले लिए मोर प्याज का जी प्याज रखे लिए मोर भीतर दे रहे ली ओ निकाल निकाल के सटे सटे अरे देखो ये ताई के नाशपाती है नाशपाती है अभी तो छोटी छोटी है कब तक हो जा रही तैयार ये हो गई बरसात में जुलाई तक जब आमक सीजन है देखो तुम सब खा लो सब खा लो तो दोस्तों ये हमारी ताई की ओगल आप देख सकते हैं जो ताई तोड़ रही है हाथों में भी दिखाओ ना हथौला भी दिखाओ ये दिखाओ ये के बाद दबड़ी बनाने हो दबड़ी बनेगी इसकी अच्छा तो तुम बोलते सारे तोड़े वाला फिर से भी आने हुआ और ये तोड़ा और ये प्याज प्याज तो बिल्कुल सूखा चाहिए आता है तुम्हारा इन क्यों पानी की भी काफी दिक्कत है प्याज भी काफी सूख रखे हैं और छोटे छोटे प्याज आए और ये क्या है तुम्हारे देखिए भाई साहब अब कुछ ये कब हो जाएंगे तैयार चलो ये अगस्त में तक तैयार हो जाएंगे और यहाँ पे हमारी दादी जी आ गई हमें ढूंढते ढूंढते कि किधर गया तो ताइल बनाया ला पर भात क्या आता है ये माँ भात और साग बन गया अच्छा दबड़ी ओ तभी कना चो इकट्ठा है दबड़ी बाना खाने तो आप बनाइए दबड़ी और अब हम चलते हैं नीचे तो अब हमें एक और दादी जी मिली है दादी जी कहाँ से आ रहे हो आप मैं घास लेके कहाँ जा रहे थे नीचे बगुना मंदिर में घास लेने अच्छा कितने घोड़े है तुम्हारे एक एक गाय है एक और एक बच्ची बच्ची नहीं है गाई गाई। बच्ची मर गई
कैसे? गिर गई। अभी आ रहे हो? अरे अभी आ रही हूँ, खाना बना रही हूँ और प्याज निकाल रही हूँ। जरा गढ़वाली में बोलो यार, जरा गढ़वाली में बोलो। मैं देसी चोर प्याज मेरा आधा गाड़ली आधा सांदा गाड़ी और तब से मैं घास बटो खाना बनानू छो। ये मंडी खुली है, कोई भी आ सकता है। और पापा प्याज बेच रहे हैं ना। तुम ले गाड़ा ना भी तुम्हारे कम लगे। अरे हाँ छनी टहल रहे हम, कब निकल बेखुंदा भैया। तुम्हारे पैसे हमारे पैसे बड़े छे बता है ना। हाँ ये बदर पानी पूनी ठीक सी हम ये बड़ी सी बढ़िया सी कुरमुला बड़ा तो सेट जानी जल्दी पूरा नहीं बड़ा वाला क्या बड़ा सेट जानी ना। अरे छोटा ठीक रहनी छोटा भी कैसी तुम्हारा ठीक ही सी। अच्छा हम तो ये बताओ जन पहला खेती छा और अब खेती में काफी फर्क हो गया ना। पहल भंडे कर दे छा अब क्यों खेती में छाई अब नहीं अब लोग बाग अब लोड़ो था पंगना से कौन चल गई तो खेती पाती छुड़ गई सब। अब कोई नहीं करना चाहता खेती सब बहरा दुनिया जीन चाहना सी। गाँव की जिंदगी बड़ी प्यारी है मस्त है ठंडा पानी मिलता है ठंडी हवा है सब कुछ है। सब कुछ ठंडा ठंडा है कोई नहीं जिंदगी कैसी हो बस मजा आना चाहिए। मजा आना चाहिए बस है ना। देखिए ये हमारे गाँव की प्याज मतलब हमारे खेतों के इसे हम निकाल रहे हैं। धूप भी काफ़ी तेज़ हो चुकी है पर काम करने में मजा आ रहा है। और हमारे नया कैमरा मैन आ चुके हैं हमारे साथ तो थोड़ा पास हमारे कैमरा मैन हमें प्याज करके दिखाएंगे हमारे प्याज कितने मस्त मस्त हैं। देखो हैं ये देखो ये सबसे बड़ा है तो कोई कोई बड़े हैं कोई कोई छोटे हैं तो ये पता नहीं क्यों हो रहा है कि पानी के कारण हो रहा है मेरे हिसाब से क्योंकि पानी भी कम था जैसे कि आपने देखा होगा वीडियो में पानी बनाने जा रखे थे। कुछ दिनों से ही हो रही थी बारिश पर अब इनका तो निकलने का टाइम आ चुका है तो अब इन्हें रखेंगे हम ऐसे अंदर। तो हम जितने उधर ये सारे हैं अब इधर ये हम ऐसे ही इकट्ठा करेंगे और अंदर रखेंगे। पर पुंगड़ थोड़ा सा अग्नि अब यहाँ आपने देखा शिमला मिर्च का पौधा छी और हम आप पापा जी से पूछ दो कि पापा जी लिए कब लगे और ये कब तक तैयार हो जाला खाना खाने। ये हम लगे ही मार्च में भोजन मई लास्ट में तक खाना खाने। तो मई लास्ट में तक आपको ये दिख जाएंगे खाने लायक बिल्कुल तैयार। कुछ कुछ हो चुके हैं तैयार जैसे कि आपको ये तो कुछ कुछ हो चुके हैं तैयार। और ये क्या है पापा जी? ये मर्चा छी मर्चा ये अब लगनी हम मई लास्ट में लगनी है हरी जुलाई अगस्त में हो जाती है। हरी मिर्च के ये पौधे छोटे छोटे हैं तो इन्हें अभी बाद में लगाएंगे। तो दोस्तों ये रहे बेल हैं जो कुछ महीनों बाद फिर से इनमें लगनी हो जाएंगी सब्जियां स्टार्ट। और इनके लिए देखो ये भी लगा रखा है सपोर्टर जिसमें ये ऊपर चढ़ेंगे तो इन्हें बोलते हैं हम गढ़वाली में ठंगुर। तो ठंगरा घेंट के उस पर जो ये बेल है ये चढ़ेंगी ऊपर तो उसके बाद सब्जियां उनमें लगनी हो जाएंगी स्टार्ट। और यहाँ पे छोटे छोटे टमाटर भी है पर ये थोड़े से ख़राब भी हो रखे हैं। तो गाइस ये थी कुछ सब्जियां जो हमारे खेतों में हो रखी है आजकल। ये रहे हरे टमाटर पर ये इनमें पता नहीं कीड़े भी लग रखे हो देखो काले काले हो रखे हैं। तो और भी कुछ है दिखाने को वो भी दिखाऊंगा आपको। पूरा पेड़ कटहल से भर रखा है ऊपर आपको थोड़ा अंधेरा अंधेरा दिख रहा होगा पर ये सारा जो ऊपर तक आप देख सकते हैं इनमें सारे कटहल लग रखे हैं। एक ये रहा अभी तो छोटे हैं अब ये बड़े होंगे। एक ये रहा और एक ये रहा ये देखिए ये देख सकते हैं ये काफ़ी बेहतरीन सब्जी होती है यार इनकी भी मज़ेदार। तो ये एक और सब्जी मैंने आपको दिखाई। तो गाइस हम मिल चुके हैं हीरोइन हमारी दीदी से। दीदी कहाँ से आ रहे हो? मैं डांडा खेत बैठे डांडा खेत के आ गया जा? बोले यही जा बोले। तो अभी आना छो अभी आना छो अभी। अच्छा तो आपने निकाले प्याज? प्याज नहीं निकाला अभी? निकाला अभी अभी फ्राजबिन मैंने तोड़े ही फ्राजबिन जी। ओहो दीदी काफी लेट हो रही है दीदी ने अभी फ्राजबिन नहीं निकाले खाना भी नहीं बनाया अभी ना अभी कुछ नहीं। और आपका लगो आप बोर्ड बंद ना लग छनी में। अच्छा छनी में चलो ओके बाय बाय बाय। तो गाइस ये हमारी दीदी थी और अब हम भयंकर खिलाड़ी से आपको मिलवाने जा रहे हैं हमारे गाँव के। तो देखिए वो क्या कर रहे हैं इस वक्त। देखिए जीजा में आज काम सौंपा है
काट घास काटने का, तुझे क्या कटना जो तुम दीदी काटा? अरे दसड़ा कटरो से यार। अ क्यों काट रहे हो तुम? ते तुम सौंप दिया अभी हो हैं? अरे मैं मैं सौंप दिया यार, वो एक गुड़चे यार, एक गोला गुड़चे यार। तो काफी काट यार जी, तुम दे देखो। और डाल मी तुम ही चढ़ो, डाल मी चढ़ यार। भाई साहब देख रहे हो यार जी, कितने काम कर दे, देखो पेड़ में भी चढ़े काटा भी, और फिर अब देखो उसकी छोटी छोटी वो बना रहे हैं गाय के लिए। गाय के लिए वो बना रहे हैं यार। आज चलो कोई ना, आज घर का काम सही है, घर का काम तो चलो कीजिए जीजा जी आप अपना काम। ओके ओके बाय बाय। तो दोस्तों देखिए गांव का टैलेंट जो कि आप भरपूर है, टैलेंट से भरा हुआ है हमारा गांव, किसी भी टैलेंट की कमी नहीं है। आप देख सकते हैं नाई की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ती, खुद ही घर में करना पड़ता है, कि घर में इतने कलाकार आदमी है कि आपको बाल बूल सब काट के रेडी कर सकते हैं। और काफी सुनील सेट्टी बना दिया है भाई को। दीदी फिर आ गई है, है? मोटे तो होने ही है लॉकडाउन के कारण, घर में ही घर में सब मोटे ताजे हो चुके हैं। तो ये टैलेंट है हमारे गांव का नाई, और टैलेंट रहे हमारे चाचा जी। चाचा जी कुछ कहना चाहोगे? मुझे तो भाई डराया जा रहा है, तो बढ़िया करते रहो तुम अपना। तो दोस्तों आप चलते हैं हम अपने ताई के भीतर, ताई के प्याज देखते हैं कितने हैं। ताई बोल रही थी बड़े बड़े हैं, और ताई सच्ची बोल रही थी यार काफी बड़े बड़े हैं। ये देखिए गरम हो रखे, पर गरम हो यहाँ। हाँ आ जाओ। बाकी कहेगी काम थी मंजूर क्यों धरी? अच्छा तो ये बात है, तो ये छोटे छोटे चाहिए। उससे पहले मैं तुम देखा दिखान, देखो ये हमारे ची। ओ भाई साहब पुरु बुरे है ना भीतर, ये देखिए। तो अब हम चलते हैं अपनी ताई के भीतर, दूसरा भीतर है जहाँ ताई के बड़े बड़े बल, मैंने बल अलग से धरे बल बड़ा बड़ा। हाँ यार बड़े बड़े तो है, बड़े बड़े तो है, काफी बड़े जी, टनाटन ची भाई। हो ताई तुम्हारे पूरा भीतर से ना देखो, इसका उपयोग पूछते हैं अपनी ताई से कि ताई के काम आन चाहे दूध, दूध दही ऐसे चीज रख देते वहाँ, है ना, मतलब फ्रिज का काम करो चाहिए समझे। तो ये फ्रिज का एक देख सकते हो आप, पुराने जमाने का यंत्र। लाइक शेयर सब्सक्राइब, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, जरूर करें, धन्यवाद। बस वही क्या बेल के करें, लाइक आप बोलो ना, अपनी बनी लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, जरूर करें। अच्छा अच्छा ठीक है ना, जरूर करें ना। हाँ जरूर करें, धन्यवाद। तो जरूर करना ताई ने बोला है, तो अगर आपने नहीं किया अभी तक तो जरूर करना।